प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ भगवती दुर्गा का हृदय से ध्यान करते हुए उनके प्रथम रूप की अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं और हम यही मंगल कामना करते हैं कि इस नवरात्रि माँ आप सभी के सारे दुख और कष्टों का निवारण कर आपको और आपके पूरे परिवार को सुख, संपत्ति, संपदा और स्वास्थ्य का वरदान दें। माता का सहज स्वभाव होता है अपने बालकों पर दया करना और माँ जगदम्बा तो सारे जगत की माता हैं और सब पर कृपा करती हैं। माँ के पहले स्वरूप की कथा बड़ी ही अद्भुत है और इसके श्रवण से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आइए माँ की कृपा प्राप्ति के लिए उनके शैलपुत्री रूप की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता की। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री नाम से जानी जाती हैं। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी लोग अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब माँ अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। माता सती जी ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर जी ने कहा, सती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती को प्रबोध नहीं हुआ। वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति बहुत से अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों सहित भैरव जी को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया तथा दक्ष का वध कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं के गर्व का भंजन किया था। माँ शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नौ दुर्गाओं में प्रथम माँ शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन
इन्हीं की पूजा की जाती है। इनका स्थान मूलाधार चक्र में है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की यह कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। माँ शैलपुत्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, वंदे वाच्छित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। प्रिय श्रोताओं, आप आई बटन या वीडियो की एंड स्क्रीन पर माता शैलपुत्री के मंत्र का 11 जाप भी अवश्य सुने। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा इसी प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए मंत्र सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता की। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।